यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूरे देश भर में चर्चा है और चर्चा यही है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू हो पाएगा। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में एक भाषण के दौरान एक रैली जो की, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब है, इसका किस पर कितना प्रभाव पड़ेगा और क्या इसका फायदा देखने को मिलेगा, इस बारे में उन्होंने समझाया। लेकिन विपक्षी पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाया जा रहा है ये इसलिए लाया जा रहा है ताकि मुसलमान समुदायों को टारगेट किया जा सके। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, लोग यही नहीं समझ पा रहे। समान नागरिक अधिकार UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें क्या है कि एक कानून के तहत पूरे देश के नागरिकों को, पूरे देश के नागरिकों को एक ही कानून मानना पड़ेगा, एक ही अधिकार के तहत चलना पड़ेगा। हालांकि अगर बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो सर्वे हुआ है, ये सर्वे ये बता रहा है कि जनता सरकार का समर्थन कर रही है, उसमें पूरी मिक्सअप जनता है, 99% जनता समर्थन कर रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। पूरे देश में आप देख लीजिए, हर देश में, इस देश में हर धर्म जाति के लोग रहते हैं और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि विपक्ष भी सरकार का समर्थन कर रहा है। देखिए, सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि अभी तक कई धर्मों में अलग अलग बोर्ड बने हुए थे, लेकिन अभी की जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है वो जाहिर तौर पर ये बता रही कि जो अलग अलग बोर्ड बने हुए थे, जो अलग अलग बोर्ड देखने को मिले थे, वो तमाम चीज़ें खत्म हो जाएंगी। एक देश, एक कानून, एक अधिकार, इसी के तहत। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भैया, विपक्ष ये कह रहा है कि भैया अब इसे कोर्ट में लेकर जाया जाएगा, इस मुद्दे को वहाँ पर उठाया जाएगा। तो यही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या मानसून जो सत्र है उस सत्र में ये बिल पेश हो पाएगा क्या? और अगर मानसून सत्र में ये बिल पेश नहीं हो पाता तो फिर तो आप समझ लीजिए कि आने वाले समय के अंदर 2024 से पहले बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड ही नहीं, जनसंख्या नियंत्रण का भी मामला है, तो जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि सरकार इस तरीके के नियम कायदे कानून लाकर बदलाव करना चाहती है। अब क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा अगर कोर्ट में चला जाता है तो क्या कोर्ट में ये पूरा मुद्दा रुक जाएगा, जैसे जनसंख्या नियंत्रण का भी मुद्दा चला जाएगा? हालांकि देश की जो जनता है या विपक्ष जिस तरीके से समर्थन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिल आसानी से पेश हो जाएगा। लेकिन जब बिल पेश होगा तो क्या वाकई बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।